पति की लंबी उम्र के लिए गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने नीरजल व्रत रखा। इस दौरान व्रती महिलाओं ने शिव और पार्वती की आराधना की। बेतिहाता स्थित हनुमान मंदिर में पहुंची महिलाओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर अपने पति की लंबी उम्र के साथ परिवार के सुख व समृद्धि के लिए कामना की तथा भगवान शिव और पार्वती की कथा को सुना, जिसके संबंध में हनुमान मंदिर के पुजारी उमाशंकर पाठक ने बताया कि यह भगवान शिव का व्रत है तथा भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने तपस्या किया था तथा माता पार्वती को उनकी सखियां हर कर ले गई थी, जिसके कारण इसका नाम हरतालिका पड़ा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हनुमान मंदिर के पुजारी तथा व्रती सुहागिन महिलाओं ने कहा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के दिन में मैं हरतालिका व्रत का तीर्थ क्यों रह रहा हूँ? कैलाश पर्वत के विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने भगाम्बर पर विराजमान भगवान कैलाश पर विराजमान हैं। श्रृंगी श्रृंगी नंदी आदि सब लोग भगवान सदा के भगवान शिव के दरबार में शोभा बढ़ा रहे हैं और गंधर्व किन्नर आदि शिव भगवान की विधि विधान से अक्षुण छंदों में नित्य गान कर रहे थे। उस समय संभल के सुवर में माता पार्वती ने भगवान शिव के दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न की। महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आपके अर्धांगिनी पति को वरण किया। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, माना जा रहा है कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप यह बतलाने, मैंने क्या ऐसा पुण्य दान किया था जो मैंने आपको पति के स्वरूप से पाया। 12 वर्ष की अवस्था, बाला काल उस अवस्था में तुमने मेरा पूजन किया था। क्या पूजन किया था मैं बता दे रहा हूँ। जगत के स्वामी पति स्वरूप मुझे प्राप्त हुए हैं। अंतर्यामी तुम दासी को बताने की कृपा करें। पार्वती जी ने ऐसे प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, वरदान से कृपया तुमने अति उत्तम पुण्य ग्रह किया था जो मुझे आज मैं तुझे प्राप्त हुआ हूँ। तो माता जी क्या बोल रही हैं कि वह जो मैंने बालावस्था में या जो मैंने व्रत किया था, किस कारण में किया था, वह मुझे आप बताइए। स्त्री जाति आज में यह व्रत कर लेती है, वह महेश्वर की कृपा से उसकी सौभाग्य की रक्षा स्वयं भगवान भोलेनाथ कर लेते हैं। विस्तार, भगवान शंकर बोले कि उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय नाम का एक पर्वत है। नाना प्रकार की धन संपदा खनिज यदि नवा हीरा मोती जड़ से लगा हुआ है और वह बड़ा दूर दूरियों वाला है। वह तो भुजाओं से आकाश में छूटा हुआ गंगा के कला कला सत में सत्र में राजा का नाम हिमालय था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना पैदा हो। तुमने बाला अवस्था में मेरा याद। उमाशंकर पाठक, यहाँ का व्रत है, तमाम महिलाएं मंदिर पूजा भी कर रही हैं, क्यों मनाया था, क्या माता है? भोलेनाथ का व्रत है। भोलेनाथ को पाने के लिए माता पार्वती जी ने जो है तपस्या किया था, उसी लिए जो है हरतालिका तीज व्रत को मानते रखते हैं। पार्वती जी को उनकी सखी जो हर के ले गई थी, उसी इसका हरतालिका नाम पड़ा। इस लोग मनाते हैं औरतें पति के अपने पाने के लिए। अयोध्यानाथ पांडे, नाते मनाई गई है क्योंकि आज के दिन में जो स्त्री जाति यह व्रत कर लेती हैं, सौभाग्य की रक्षा कर लेती हैं, अपने पुत्र पौत्र की रक्षा करती हैं, और जो आज के दिन में जो स्त्री जाति कर लेती हैं उनके जैसा सखियों ने हरतालिका व्रत तीज क्यों पड़ा, क्योंकि सखियों ने माता जी को हरण कर ले गई थी, इस नाते हरतालिका व्रत तीज पड़ा है। पति की लंबी उम्र की कामना, हाँ, कामना के लिए, सौभाग्य की रक्षा करने के लिए हरतालिका व्रत हर स्त्री जाति आज के दिन में यह व्रत करती हैं, उनके सौभाग्य की कृपा भगवान भोलेनाथ स्वयं करते हैं। आशा सही व्रत रखे हैं, हाँ। क्या महत्व महत्व पति की लंबी आयु खातिर रहता है और क्या। कितने सालों से व्रत रखी आ रही है? 35 साल हो गए। कहना चाहेंगे अन्य महिलाओं के लिए? जो अन्य महिलाओं के लिए यही है कि सब लोग कर रहे हैं और सब लंबी आयु की प्रार्थना करें शिव भगवान से और पार्वती जी से। रूपम बाबा।
मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, 3 साल से ये फास्ट हो रहा है। और क्या महत्व है इसका? महत्व यही है, ये अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है, पति की लंबी दीर्घायु के लिए रखते हैं, कामना के लिए रखते हैं, सुख समृद्धि के लिए रखते हैं। अनीता सिंह, अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। कितने सालों से व्रत रखती है? 15 साल से। कहना चाहेंगे अन्य महिलाओं के लिए? हाँ, ये व्रत सब लोग रहे अपने पति की लंबी उम्र के लिए। गिरजा से व्रत रखती है। मेरा जल रहा है। क्या महत्व है? कितने सालों से करती है? हम 25 साल से करते हैं। क्या महत्व है? अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया। कुछ कहना चाहेंगे अन्य महिलाओं के लिए जो? हाँ, सभी महिला व्रत रहे अपने पति की लंबी उम्र के लिए।